हेलो गैश, टेक ग्रुप प्लस में आपको स्वागत है। मैं हूं नौशाद। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितना भी जो परचेज किया हुआ स्टॉक था हमारे पास, उसमें से मैंने कुछ सेल किया था, और सेल करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ वो मैंने एक्सेल शीट में भी आपको निकालने के लिए बताया था, और टेलीप्राइम के जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी बताया था। तो आते हैं अब उसके आगे का जो प्रोसीजर होगा वो कैसे किया जाएगा। हमारे पास ये एक्सेल शीट है, आप देख रहे होंगे, ये वाला एक्सेल शीट है। आपको इसी सीट से आपको बताया गया था, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 127 पीस मोबाइल था, और उसमें से मैंने 10-10 क्वांटिटी मैंने सेल कर रखा था, ठीक है। एक नोकिया का मैंने सेल किया था और एमआई का सेल किया था। तो टोटल टोटल स्टॉक हमारे पास 107 स्टॉक, यानी 107 मोबाइल हमारे पास बची हुई है, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग वैल्यू होता है 24,62,000 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये टेगुरु प्लस का स्टॉक मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक है, देखिए मैं बिल्कुल दिखा रहा ना। अब मैं ये करने वाला हूँ कि ये 107 पीसेस जो है ये सारा का सारा मैं सेल करने वाला हूँ। अब उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कैलकुलेशन आता है, कितना प्रॉफिट निकलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितना स्टॉक है मैं सबको यहाँ एक्सेल शीट में मैं सेल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सेल्स वाली वैल्यू है और ये परचेज वाली वैल्यू है। यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसकी क्लोजिंग स्टॉक की ये क्वांटिटीज होगी, या क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। तो सेल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 स्टॉक बची हुई है तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ 5। यहाँ से प्लस 5 कर देता हूँ तो यहाँ तो देखिए 0 वैल्यू हो गया, इसका स्टॉक वैल्यू हो गया 0, और स्टॉक भी 0 हो गया, स्टॉक वैल्यू भी 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना 25 बची हुई है, 25 में से मैं पूरा का पूरा 25 में सेल कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो वैल्यू यहाँ पे 16,200 था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 16,200 में मैंने खरीद रखा था, तो इसको करता हूँ 17,500 में सेल कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 42 क्वान्टिटीज थी, मैं 42 यहाँ पे ले लेता हूँ 42। इसका परचेज भी 18,000 था, मैं 18,900 में सेल कर देता हूँ 33 में, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इसका भी स्टॉक 0 हो गया है। और यहाँ पे ये 10 पीस मैंने सेल किया था, 45 पीस था, तो हमारे पास ये 35 पीस बची हुई है। देखिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, प्लस 35 पीस, तो 0 हो गया, ठीक है। 35,000 करके सेल परचेज किया था, मैं 36,200 में सेल किया हूँ, ठीक है। अब देखिए टोटल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है एक्सेल शीट के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1,39,300। क्या ये फिगर बिल्कुल सेम आने वाला है या नहीं, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिए टैली के ऊपर मैं जाता हूँ। मैं फिर से एक वाउचर में प्लेस करता हूँ। वाउचर के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाउचर वाली ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है उसके नीचे ये डेबिट के ऊपर में वाउचर, आप वी प्रेस कीजिए। वी प्रेस करने के बाद सेल्स करने का जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आपका जो शॉर्टकट की होगा वो F8 होगा, F8 प्रेस कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए की बटन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे F9 में परचेज है, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो ये सेल्स वाली इन्वॉइस खुल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पार्टी का नाम, अगर आप नया पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं तो नया पार्टी भी आप कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए यही बंदा कर रहे हैं शायद तो इसको भी सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। नमस्कार अकाउंटेंट, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली नाम लिया, कुछ भी नाम हो सकता है। अब यहाँ मैं डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर इंटर एंटर कर दीजिए, अगर एड्रेस वगैरह है तो आप दीजिए, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आप यहाँ डाल सकते हैं। और अगर हमारा कोई GST नंबर होता है तो आप GST ले सकते हो। सपोज कीजिए कि मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं इसे यस कर दूंगा और GST नंबर मैं पुट कर लेता हूँ। ये मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आगे गलत बताएगा, ठीक है। देखिए यहाँ वार्निंग दे रहा है, ये गलत है। जब आप वर्क करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, तो आप इसमें सही अपने GST नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये डिलीवरी नोट वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, ये डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, जब आप भेजते हैं माल तो चलान वगैरह होता है ना, उसका डिटेल देखना होता है, या डिस्पैच थ्रू गाड़ी से आप भेज रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है, जहाँ से आप माल भेज रहे हैं, जिस एरिया में भेजना चाह रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे कैरियर का या गाड़ी का नाम या एजेंट का नाम लिखना हो, और आपका यहाँ पे बिल का एक लॉरी नंबर होता है वो डाल सकते हैं, डेट, मोटर व्हीकल का नंबर क्या है, ये सारे डिटेल आप डाल सकते हैं। फिर इंटर इंटर करके ये कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स लीडर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो ऑलरेडी मैं सेल्स लीडर क्रिएट कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे आ रहा है, अगर नहीं होता तो क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद देखिए हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टॉक बचा हुआ है पहले का वो हमारे सिस्टम पे दिखा रहे थे। एम आई का ये 35 पीस है, मैं एम आई का 35 पीस ले ले रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप जो अमाउंट में आपने सेल किया था ऑटोमेटिक ये आपका फिल आउट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कीजिए, एम आई तो हो गया, उसके बाद नोकिया 5 पीस बची हुई है, मैं 5 पीस यहाँ पर लिखता हूँ, ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद एम आई के बाद ओप्पो 42 पीस है, 42 पीस आप ले लीजिए। इसका क्या सेल रेट मैंने रखा था यहाँ देख लीजिए, 18,900, ठीक है। तो 18,900 मैंने मैं आपको सेल बता दिया हूँ। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है वीवो, वीवो 25 पीस है हमारे पास, 25 पीस मैंने पूरे ले लिए। इसका रेट क्या रखा गया था, 36,000, ये सॉरी वीवो का, ये वीवो का ये रहा 17,500, 17,500 फिट कर दीजिए, उसके बाद इंटर कीजिए। तो इसका जो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है, 25,79,000, ठीक है, 25,79,300 आ रहा है। इंटर कीजिएगा, इंटर के बाद सी जी एस टी, उसके बाद एस जी एस टी, ठीक है। आप इसी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। आप जैसे एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद देखिएगा आपका स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया। आप स्टॉक देखिएगा, स्टॉक बिल्कुल नहीं दिख रहा, पहले स्टॉक दिखा रहा था, अब कोई भी स्टॉक हमारे पास नहीं है। आप प्रॉफिट अलाउंस अकाउंट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए 1,39,300 आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये जानना चाहते हैं कि जो विदाउट जीएसटी था वो जीएसटी था, विदाउट जीएसटी कहने का मतलब जो कस्टमर को आप बेचें जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, और जिसको आप बेचें जिसका जीएसटी नंबर है, तो उसका रिपोर्ट चेक करना अगर चाहेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए डिस्प्ले, उसके बाद ओ प्रेस कीजिएगा, मतलब यहाँ पे देखिए ओ बड़ा लिख में लिखा हुआ है, यानी कि ओ डी ओ, उसके बाद जी जी फोर, मैं करके दिखाता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पे गेटवे टेली में डी ओ जी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, या डी ओ भी प्रेस कीजिएगा तो वो रिपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी एस टी आर वन, उसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने से आपको एक रिपोर्ट आ जाता है। यहाँ पे कुछ रॉन्ग फिगर बता रहा है, इसमें क्या गलती बता रहा है, अच्छा जी एस टी नंबर मैंने गलत किया था, तो उसका रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो खैर कोई नहीं, आगे आप जब सही रिपोर्ट अगर आप डालते हैं जी एस टी नंबर का, तो ये निकल के बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बी टू सी, या एक काम करता हूँ मैं इसको ना इसको सही कर लेता हूँ, तभी समझ में आएगा आपका। ऐसे पेश करो, मैं यहाँ पे इसको सही करके एक्सेप्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट कराने के लिए यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, यहाँ से एक्सेप्ट होकर हट गया। देखिए अब यहाँ पे बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस में रजिस्टर्ड पर्सन है उसको बोलते हैं बी टू बी, ठीक है। मतलब बी टू बी जो मैंने सेल किया था, बी टू बी सेल जो मैंने किया था उसका जो रिपोर्ट था, अगर आप इसी पेज में रहते हो, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑल्ट जी प्रेस करके एस ए एल सेल प्रेस कीजिए, सेल्स रजिस्टर खुल जाएगा, एंटर कीजिए। देखिए ये वाला, ठीक है, नौशाद अकाउंटेंट, यहाँ पे देखिए इसको एंटर कीजिएगा, तो आप इंटर करने के बाद देखिएगा इसका जी एस टी नंबर होगा। देखिए यहाँ जी एस टी नंबर है, मतलब ये भी एक बिजनेस में रजिस्टर्ड है, तो वो बी टू बी में शो करेगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो बी टू सी में शो करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं इसको इंटर करूँगा तो देखिए मेरा रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे जी एस टी का, और इसे बैक कीजिए और बी टू सी का रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो जी एस टी का जो रिपोर्ट होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आज तक का इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में से आगे का जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो आपको रिपोर्ट है बहुत ही पसंद आया होगा। ये वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।